नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एंड न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनल। मेरे साथ मौजूद है पूजा और आयुष। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देखिए, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से सर्वे कराने के मामले में अब सबकी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा है, लिहाजा सर्वे कराने के लिए वाराणसी जिला अदालत के फैसले को मुस्लिम पक्ष आज हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। 21 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया। खास बात यह है कि वजू खाने को इस सर्वे से दूर रखने का भी आदेश आया। जिला जज के आदेश के 4 दिन के बाद एएसआई की सर्वे टीम ने 24 जुलाई को सुबह 7 बजे सर्वे शुरू भी कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने ये कहकर सर्वे का बहिष्कार किया कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लिहाजा सर्वे की तारीख बढ़ा दी जाए। लेकिन उसकी दलील काम न आई और सर्वे तय समय पर शुरू हो गया। सर्वे शुरू होने के करीब 5.5 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी गई। हमें जो एक रेमेडी रिवीजन की हाई कोर्ट में प्राप्त है, उसको अवेल करते हुए हाई कोर्ट में जाएं। अब हाई कोर्ट उस पर जो ऑर्डर करती है, तब उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फाइंडिंग देगा। हिंदू पक्ष को पहले ही जानकारी थी कि मामला हाईकोर्ट पहुंचेगा, लिहाजा 21 जुलाई के फैसले को लेकर उसने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष की याचिका दाखिल होने पर हिंदू पक्ष की दलील सुने बिना हाईकोर्ट कोई फैसला नहीं सुना सकता है। तो देखिए, मामला ज्ञानवापी का है और ऐसे में सियासत ना हो, बयानबाजी ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। जिला अदालत के एक आदेश पर परिसर का सर्वे होना, फिर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगना और अब मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होना, ये कानूनी प्रक्रिया है। फैसला क्या आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन सियासत अभी से अपनी अपनी दलीलें पेश करने में सियासतदान लगे हुए हैं। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में इतिहास के वो परत और सच्चाई सामने आएगी जिससे हम अब भी अनजान हैं, महज अटकलें लगा रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट को मानना भी आसान नहीं होगा और खारिज तो कर ही नहीं सकते, लिहाजा लोगों के सुर बदलने लगे हैं। एएसआई की रिपोर्ट है तो उसको गौर तो किया ही जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसको ना हम बिल्कुल उसको सिरे से इनकार तो हम नहीं कर सकते। मुस्लिम पक्ष के सर्वे रोकने की अपील पर हिंदू साधु संतों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। हमारे मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है, इस बात को वो लोग जानते हैं और इसीलिए घबरा रहे हैं। सर्वे को लेकर सियासत भी चरम पर है, कुछ सियासी लोग अलग ही दलीलें दे रहे हैं और एएसआई सर्वे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एएसआई का सर्वे बाबरी मस्जिद के लिए भी हुआ था। एएसआई ने लिखा था कि यहाँ पे कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ये सोचने की बात है, देश इन चीजों से नहीं चला करते। धर्म से जुड़े और सियासी लोगों की दलीलें भले ही कोई ना माने, लेकिन कोर्ट में पेश दलीलों पर जो फैसला आएगा उसे ही सभी पक्षों को मानना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।